और 60% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है मार्जिन जो फ्रेंचाइज को, जो भी एमआरपी है उसका 60% हम ग्रॉस मार्जिन अपने फ्रेंचाइज को देते हैं। जीरो वेस्टेज है उसमें, आपको वेस्टेज जो है वो 0% है। ओके। और छोटी सी दुकान पे, मतलब छोटी सी दुकान किसी भी मार्केट में गुड लोकेशन पे हो, उसमें आपका बिजनेस सक्सेसफुल चल सकता है। और ये ऐसा मॉडल है, शेफलेस मॉडल है, इसमें बना बनाया सब कुछ जो है वो आपको मिलेगा। 100 to 120 या 100 to 150 स्क्वेयर फीट में दुकान में काम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं फ्रेंचाइज बताओ। दोस्तों फ्रेंचाइज बताओ पर मैं आपको अलग अलग तरह की फ्रेंचाइजीज बताता रहता हूं, लेकिन एक वो बिज़नेस जिसने बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट से बिज़नेस को शुरू किया है और अब आज मार्केट में लीड कर रहा है, इस बिज़नेस का नाम है चिराग दिन बिरयानी। जी हाँ दोस्तों, ये एक फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर का बिज़नेस है जहाँ पर ये स्पेशली बिरयानी में डील करते हैं, वेज एंड नॉन वेज बिरयानी। सबसे खास बात इस बिज़नेस की क्या है कि इस बिज़नेस में आपको किसी शेफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फूड एंड बेवरेजेज बिज़नेस में जितने भी दोस्तों ने रेस्टोरेंट ओपन किए होंगे उन सभी को सबसे बड़ी समस्या यही आती होगी कि अगर उनका शेफ छोड़ के चला गया तो उनका रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ जाता है। लेकिन यकीन मानिए, यहाँ पर अगर आपका शेफ नहीं भी होगा तब भी आपका बिज़नेस वैसे ही चलता रहेगा। तो आज कुछ स्पेशल ये लॉन्च कर रहे हैं, आज कुछ स्पेशल बातें आपको बताने वाला हूं मैं चिराग दिन बिरयानी की। वो स्पेशल चीज़ें क्या होने वाली हैं, किस तरीके से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, और साथ ही साथ आज पहली बार मैं आपको टेक अवे आउटलेट पर भी विजिट करवाऊंगा, इस पूरे बिजनेस को लाइव दिखाऊंगा। सो आज हमारे साथ हैं चिराग दिन बिरयानी के मार्केटिंग मैनेजर तरुण आनंद जी, जिनसे हम बात करेंगे इस बिजनेस मॉडल के बारे में, साथ ही साथ कुछ नया लेकर आए हैं तो नया क्या है ये भी जानेंगे। तो तरुण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंचाइज बताओ में। थैंक यू। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप लोगों ने इस बिज़नेस को कोविड के समय में शुरू किया, जहाँ पर लोग नया बिज़नेस शुरू करने में सोचते हैं करें या ना करें, आप लोगों ने शुरू भी किया और साथ ही साथ आज आपका बिज़नेस सक्सेसफुल चल भी रहा है, तो आप किस तरीके से इस बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं? बेसिकली कोविड में आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा जो है डिमांड जो है खाने में जो बिरयानी की रही थी, उसी को देख के हमने कोविड के टाइम ये शुरू किया, क्योंकि बिरयानी अपने आप में एक कम्प्लीट फूड है। इसमें चावल भी आ जाते हैं, नॉनवेज में नॉनवेज भी आ जाता है, वेजिटेबल बिरयानी में वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं। कंप्लीट फूड होने के कारण और सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहने के कारण हम इस बिज़नेस में आए। और ये ऐसा मॉडल है, शेफलेस मॉडल है, इसमें बना बनाया सब कुछ जो है वो आपको मिलेगा। और 60% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है मार्जिन जो फ्रेंचाइज को, जो भी एमआरपी है उसका 60% हम ग्रॉस मार्जिन अपने फ्रेंचाइज को देते हैं। जीरो वेस्टेज है उसमें, आपको वेस्टेज जो है वो 0% है। ओके। और छोटी सी दुकान पे, मतलब छोटी सी दुकान किसी भी मार्केट में गुड लोकेशन पे हो, उसमें आपका बिजनेस सक्सेसफुल चल सकता है। तो बेसिकली अभी आप लोगों ने, पहले आपने केवल क्लाउड किचन से बिजनेस को शुरू किया जो कि कोविड की रिक्वायरमेंट थी, उस समय टेक अवे मॉडल नहीं चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट ओपन हो रहा है अभी आप लोगों ने टेक अवे आउटलेट भी अपना स्टार्ट किया है। हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो आप सही कह रहे हैं कि क्लाउड किचन से ही स्टार्ट किया था, मगर जब हमने देखा कि थोड़ा सा खर्चा और आप अगर 15-20 हज़ार रुपये वो और खर्च करके उसकी सेल 4 times हो रही है, तो हम अब जो इस समय है वो टेक अवे मॉडल पे आ गए हैं, डिलीवरी टेक अवे मॉडल में। इसमें बाकी सब कुछ सेम है। ओके। सिर्फ उसको एक छोटा सा खर्चा, जी समझ लो अगर वो एक कमरा कहीं किराए पे ले रहा था वो 10-15 हज़ार का पड़ा था, तो 20-25 हज़ार में उसे अच्छी लोकेशन पे दुकान मिल जाती है। हमें ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं चाहिए, छोटी सी दुकान से वो काम शुरू कर सकता है। और सेल का जो हमने डाटा एनालाइज किया वो 4 times बढ़ के हमारी उन आउटलेट से आ रहा है। ओके। जो कि हमारे क्लाउड किचन से आ रहा है, इसलिए अब हम रिकमेंड कर रहे हैं कि जो भी है वो अपना जो है टेक अवे और डिलीवरी का जो है किसी मार्केट में छोटी सी दुकान लेके करे, तो उसमें उसकी अच्छी सेल आ जाएगी। अब यहाँ पर जब कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो आपने बताया छोटी सी दुकान, तो क्या 100 square feet की दुकान में काम हो जाएगा? 100 to 120 या 100 to 150 स्क्वायर फीट में दुकान में काम हो जाएगा। मैं अभी आपको इस इंटरव्यू के बाद मैं आपको अपने एक फ्रेंचाइज में भी लेके जाऊंगा। ओके। जो कि अशोक विहार में है, उसमें उनकी 100 square feet की दुकान है और वो सक्सेसफुली बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें। ओके। सर मैं जानना चाहूंगा, आप लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत तो अभी 2021 में ही करी, इससे पहले प्रायर आपका क्या एक्सपीरियंस है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में? बेसिकली हम फूड लाइन में जो है सन 2006 से हैं। ओके। हमें ऑलरेडी समझ लो लगभग जो है 15 साल हो चुके हैं इस बिजनेस से, मगर हम जो थे वो एक्सपोर्ट में थे, हमारा 100% एक्सपोर्ट होता था फूड का। ओके। और आपको मालूम है कि एक्सपोर्ट लाइन में जो है
वो आपको लॉन्ग शेल लाइफ ही चलेगी, क्योंकि बाय सी हमारा माल जाता था कंटेनर के कंटेनर, जो अभी भी जा रहा है. ओके. बट 2021 पे ही हम जो है वो अपना लोकल मार्केट के लिए हमने चिरागदीन बिरयानी ब्रांड लॉन्च किया. प्लांट मशीनरी सब हम वही यूज़ कर रहे हैं. हमारे पास जो मशीनरी है वो 3.5 करोड़ रुपये कॉस्ट है, और इंडिया में हमारे अलावा अभी एक ही प्लेयर है जो ये अभी यूज़ कर रहा है. ओके. उसी प्रोसेस से होता है जिससे ये लॉन्गर शेल लाइफ मिलती है, इसलिए बना बनाया हम बिरयानी उसके पास अपने फ्रेंचाइज पे डिलीवर करते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली सबसे जो खास बातें इन्होंने बताई, सबसे पहली चीज़ तो आपको कोई शेफ़ की रिक्वायरमेंट नहीं है. दूसरी चीज़, खाने पीने में वेस्टेजेज भी बहुत होती हैं, लेकिन इस बिज़नेस में आपको वेस्टेज जीरो है. तीसरा, आपको किचन बड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको प्री कुक्ड फूड आ रहा है, तो आप छोटी किचन से भी काम कर पाएंगे. 100 और 120 square feet का भी अगर आपने दुकान ले ली तो वहां से भी आप इस बिज़नेस को कर पाएंगे. और सबसे बड़ी चीज़, आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट पर मार्जिन मिल रहा है, 60% का मार्जिन मिल रहा है. तो इतना मार्जिन आपको कहीं नहीं मिलने वाला. अगर आप लाइव किचन भी चलाएंगे तब भी आप इतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगे. जो प्रॉफिट मार्जिन आपको जीरो वेस्टेज के साथ आपको चिरागदीन बिरयानी दे रहा है. तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हांडी कैसी है, आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. जो आप मार्जिन की बात करते हैं, तो मार्जिन केवल फूड कॉस्ट पर है, उसके अलावा हांडी की कॉस्ट अलग है? किसी का सारा कंप्लीट का मैं आपको बता रहा हूँ. हम इसमें आपको बिरयानी देंगे. ओके. हम हांडी देंगे, हम कैरी बैग देंगे, हम ये जो दही की जो है ये डिब्बी देंगे, हम ये नैपकिन और स्पून देंगे, मतलब कंप्लीट बैग भी देंगे साथ में. ये सारा कंप्लीट हम आपको सेट देंगे. आपको सिर्फ एक जो दही है वो ही फ्रेंचाइज को लेना है, क्योंकि दही का जो है हम आपको हर जगह डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो पैन इंडिया का कंसेप्ट है. पैन इंडिया के कंसेप्ट में दही हम डिलीवर नहीं कर सकते, सिर्फ दही जो है उसे लेना है. बाकी टोटल सामान हम लोग देंगे, और इवन इसमें जो एक मसाला भी डलेगा वो भी रायता में, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके. अभी आपने दो हांडी यहाँ पर रखी हुई है, तो दो हांडी अलग अलग साइज की, क्या मैं आपको बता देता हूँ. ये जो है ये हमने सबसे पहले लॉन्च की थी, इस ये हमारी सर्व टू की हांडी है, दो लोगों के लिए. ओके. उसके बाद जब मार्केट में कई ऑर्डर्स आए और कई लोगों ने कहा कि यार ये मतलब एक बंदे ने मंगवाया और उसने कहा मुझसे खाया ही नहीं गया, तो फूड की वेस्टेज भी ना हो और कॉस्ट में भी. अब जो हमने लॉन्च की है वो ये 229 की, 229 रुपए की दम हांडी बिरयानी जो ये है, ये हम लोग दे रहे हैं सर्व वन के लिए, एक आदमी के लिए. इसमें एक आदमी भरपेट अपना पूरा खा सकता है. और 229, और आपको ये शायद जान के हैरानी होगी कि अभी तक हमारी किसी भी ब्रांडेड में कोई भी प्लेयर नहीं है जो कि 229 रुपए में दम हांडी बिरयानी प्रोवाइड कर रहा हो कस्टमर को. इस समय हम इकलौते प्लेयर हैं जो कि इस कैटेगरी में, इस सेगमेंट में है कि 229 रुपए में विद हांडी बिरयानी डिलीवर कर रहे हैं बिरयानी. तो यहाँ पर बेसिकली ये लोग देखते हैं कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या लोग कस्टमर का रिव्यू आ रहा है, कस्टमर क्या चाहता है. तो आज के दिन न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, लोग अकेले अकेले जॉब करने गए हुए हैं, पढ़ने गए हुए हैं, तो वो अपने अकेले के लिए अगर बिरयानी ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये सर्व टू की इतनी बड़ी हांडी में इतना कोई फूड कंज्यूम नहीं कर पाएगा, पैसे भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे और वेस्टेज भी होगी. तो इन्होंने आप ही की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये एक सिंगल सर्विंग, मतलब एक आदमी के लिए इनफ होता है, ये हांडी इन्होंने लॉन्च की है. और मार्केट में अभी कोई भी प्लेयर जो क्वालिटी बिरयानी डिलीवर कर रहा है, जो क्वालिटी बिरयानी दे रहा है, अभी तक नहीं है. सो यूनिकनेस का हमेशा बेनिफिट मिलता है. तो आपके लिए बेनिफिट है कि आप चिरागदीन बिरयानी से ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर कर सकते हैं. आप जहां पर भी हैं, आपके आसपास के आउटलेट से आपको बिरयानी आ जाएगी. सर, ये तो बात हुई आपकी बिरयानी की. अब हम बात करते हैं, सर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? देखो, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 6 लाख से कम में रहेगी. इसमें मैं आपको सारा बता देता हूँ. उसे एक तो माइक्रोवेव लेना पड़ेगा. ओके. जो कि अपना 15-1 हज़ार रुपये का आ जाता है. हाँ. एक वीसी कूलर रेफ्रिजरेशन, जिसमें आपने देखा होगा ग्लास डोर वाला जो फ्रिज होता है. हाँ जी. वो एक लेना पड़ेगा, वो भी लगभग 25-1 हज़ार रुपये का आ जाता है. हाँ जी. इसके अलावा उसको हमारी एक फ्रेंचाइज फीस है 2.5 लाख रुपये. ओके. वो है, और 1-1.25 लाख रुपये का आसपास उसे सामान लेना पड़ेगा. अगर दुकान की हम इंटीरियर की भी बात करते हैं तो ये भी 25-30 हज़ार रुपये में बहुत ही अच्छा इंटीरियर हो जाता है, जिसका हो जाता है, उसका भी हम डिज़ाइन वगैरह सारा प्रोवाइड कर देंगे. इसके अलावा एक अपना बोर्ड है जो कि हमारा चिरागदीन लगवा बिरयानी का फ्रेंचाइज को लगवाना पड़ेगा. उसकी भी कॉस्टिंग लगभग 20 हज़ार रुपये के आसपास बैठती है. ठीक है. तो मतलब अंडर 6 लाख के अंदर, और इसमें हमारी इन्वेंट्री भी जो है 1-1.25 लाख की मैंने बता दी, 6 लाख के अंदर कोई भी फ्रेंचाइज अपना काम बढ़िया सक्सेसफुली शुरू कर सकता है.
चिराग दिन बिरयानी की जो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट बताई है 2.5 लाख रुपये फ्रेंचाइजी कॉस्ट है। इसके अलावा जो भी कॉस्टिंग है आपकी रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, आपको स्टॉक जो लेना है, आपको इंटीरियर थोड़ा डिजाइन कराना है, बोर्ड लगाना है, वो इन्वेस्टमेंट है, तो वो सब चीज़ें आप खुद कर रहे होंगे। तो 5 से 6 लाख रुपये के बीच में आप अपना एक सक्सेसफुल टेक अवे मॉडल चिराग दिन बिरयानी की फ्रेंचाइज शुरू कर सकते हैं विद 60% प्रॉफिट मार्जिन। आपको कंपनी की तरफ से सपोर्ट बहुत मिलता है, तो एक बार हम जान लेते हैं सपोर्ट क्या क्या रहेगा। सर हमारा क्या है कि एक तो सारा मार्केटिंग का सपोर्ट हमारा रहता है, ऑनलाइन जो भी मार्केटिंग है वो हम लोग ही करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन मार्केटिंग मतलब लोकल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, वो फ्रेंचाइज को करनी पड़ेगी। ओके, उसके अलावा हम हर तरह का सपोर्ट जो है अपनी ब्रांड प्रमोशन, हमारी एक टीम है जो कि हमने IT टीम लगा रखी है जो कि हर टाइम हमारी ब्रांड प्रमोशन कर रही है। वो फेसबुक पे भी कर रही है, वो अपना ट्विटर पे भी कर रही है, वो हर जितने भी मीडियम है इंस्टाग्राम पे भी कर रही है, व्हाट्सअप भी मार्केटिंग हमारी हो रही है। लोकल मार्केटिंग सिर्फ फ्रेंचाइज वाले को करनी है अपने यहाँ पे, जो भी वो न्यूज़पेपर के थ्रू करे या जैसे भी करे वो उसने सिर्फ करनी है, बाकी हमारी उसे पूरी सपोर्ट रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली आपने जाना इस फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में, अब आपको ये भी दिखाना ज़रूरी हो गया कि इनका किस तरीके से फ्रेंचाइजी आउटलेट स्टार्ट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रेंचाइजी आउटलेट कैसा है, वहाँ पर क्या क्या आपको मिलने वाला है। इसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा सीधा अशोक विहार। तो शैल वी मूव सर? बिल्कुल। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं चिराग दिन बिरयानी के फ्रेंचाइज आउटलेट में जो कि अशोक विहार में है। मैंने आपको इनका बोर्ड भी दिखाया जो ऊपर लगा हुआ था, साथ ही साथ मैंने आपको पूरा आउटलेट भी दिखाया। अब यहाँ पर इन्होंने फ्रेंचाइजी ओपन की है, तो हम लोग बात करेंगे फ्रेंचाइजी कब ओपन हुई है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और किस तरीके से लोगों का फीडबैक क्या है इस बिज़नेस के बारे में। सो तरुण जी, सबसे पहले आपने ये बिज़नेस, ये फ्रेंचाइज कब आपकी स्टार्ट हुई है सर? ये हमने अभी 15 जुलाई को लगभग 2 महीने पहले ही अभी हमने स्टार्ट की है। ओके, जैसे कोविड ओवर हुआ उसके बाद आपने स्टार्ट किया? उसके बाद हमने स्टार्ट किया। सो आपने पिछले 2 महीने पहले ही ये आउटलेट शुरू किया है, तो 2 महीने का रिस्पॉन्स क्या रहा है, क्या सेल्स आ रही है सर? ऐसा है, इसमें लगभग जो आप लेके चलो 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास की डेली की सेल हो जाती है। अभी आपको मालूम होगा श्राद्ध चल रहे हैं तो थोड़ा सा डाउन होता है, मगर एवरेज सेल जो है वो 10 से 12 कभी 15 की भी इन्होंने की है, ठीक है। तो मगर 10 से 12 पे एक एवरेज अगर फिगर लेके चलो, हम लोग 10,000 का भी फिगर लेके चले तो 3 लाख रुपए महीने की सेल आ जाती है, आराम से आती है सर। तो 3 लाख रुपए की महीने की सेल्स पर अगर हम ग्रोस मार्जिन लें 60% का, तो 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन एक स्टोर अर्न करके दे सकता है। बिल्कुल दे सकता। अब इसमें खर्चे इनके क्या क्या होते हैं मेनली, जो खर्चे बेसिकली ये जो इन्होंने दुकान ले रखी है वो इसका 20,000 रेंट है। ओके, और ये मुर्गा मार्केट में है अशोक विहार में। ओके, और पूरी की पूरी ये जो मार्केट है ये ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन की ही मार्केट है, तब इसका नाम भी मुर्गा मार्केट है, ठीक है। तो इसके अलावा ये 2 इन्होंने स्टाफ के मेंबर रखे हुए हैं, ठीक है। कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इन्हें करना भी क्या, सिर्फ एक माइक्रोवेव में गर्म करना है, ठीक है, और उसके बाद पैक करके हांडी डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, जो आपका रेंट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, कुछ नॉर्मल मेंटेनेंस हो सकती है, और 2 लड़के आपको रखने पड़ेंगे, और उनको पूरी ट्रेनिंग सर आपकी तरफ से मिली है? हाँ हाँ, हम लोगों ने ट्रेन किया। वैसे तो इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ये शेफलेस मॉडल है, इसमें सिर्फ जो है हीट करना है और डिलीवर करना है, सारा कुछ कंप्लीट करके हम लोग देते हैं। तो भी इन लोगों को हमने माइक्रोवेव में थोड़ा सा जो सिखाना है वो हमने इन्हें बता दिया था कि कैसे अपना हांडी को बिरयानी डाल के हांडी में कैसे गर्म करके देनी है और आटा वगैरह ऊपर लगाना है, वो हमने इन्हें समझाया था। बेसिकली एक तो ये खर्चे रहते हैं आपके, इन खर्चों के अलावा एक खर्चा आजकल होता है स्विगी जोमेटो को जो एक्सपेंस होते हैं, जो उनको चार्जेस पे करना पड़ता है, उसके बावजूद भी 3 लाख की सेल के पर आसानी से कोई 80,000-90,000 रुपये तक कमा सकता है? लगभग इतना आराम से कमा रहे थे, आसानी से आ जाएगा। हाँ, ये फ्रेंचाइज जो है इतना आराम से कमा रही है। तो बेसिकली पहले 2 महीने में ही ये फ्रेंचाइज प्रॉफिटेबल हो गई है, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और 1 साल के अंदर
जो कंपनी कहती है इसके अनुसार तो आप 7-8 महीने में ही आप अपनी पूरी कैपिटल निकाल लोगे, लेकिन मैं हमेशा थोड़ा सा एवरेज से ऊपर लेके चलता हूँ। आप एक साल के अंदर जो कैपिटल आपने लगाई है वो कैपिटल आपकी वापस आ जाती है। यहाँ पर और एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट है टेक अवे आउटलेट ओपन करने का? देखो इसका ये फायदा है कि फुटफॉल है तो कस्टमर जो है अपने आप आके लेता है। हाँ जी, उसके बाद ये अपना प्रमोशन भी करते हैं, इन लोगों ने अपना जो प्रमोशन की है पंपलेट्स वगैरह बंटवाए हैं यहाँ पे, उससे भी इनको जो है फोन पे ऑर्डर्स आ जाते हैं। ये अपना डिलीवरी भी खुद करते हैं, कुछ जोमेटो स्विगी का रहता है, कुछ हमारी कंपनी की भी सपोर्ट है जो हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उससे भी इनके वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर जो है सीधा इनको लैंड करते हैं, उसका इनको कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता। वो पूरा ऑर्डर जो डायरेक्ट है, जो इस इलाके का जो ऑर्डर है वो हमारा जो पेट पूजा एक सॉफ्टवेयर ले रखा है वो सीधा इनके पास ऑर्डर आते हैं और ये लोग डिलीवर कर देते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली आपका जो मेन प्रोडक्ट क्या है, मेन्यू एक बार मैं जानना चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि आपका मेन्यू क्या है। हमारा ये है जी, हमारी 15 आइटम है इस समय बिरयानी की, जिसमें जो 10 जो है वो नॉन वेजिटेरियन है और 5 जो है वेजिटेरियन है। ओके, इससे हम सारा, इसमें चिकन भी है, इसमें मटन भी है, इसमें फिश भी है, इसमें कटल भी है, इसमें वेज बिरयानी भी है, इसमें सोया चाप बिरयानी भी है, मतलब सारी जो जी चीज़ें हैं हमने लगभग सब कुछ कंप्लीट जो चल रहा है इस समय मार्केट, जो इस समय ट्रेंड में है, वो हमने सारा कंप्लीट किया है 15 आइटम्स पर। तो यहाँ पर बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी सेल कर रहे हैं, तो ये आपकी तरफ से कि डायरेक्ट कंपनी की तरफ से? ये इन्होंने खुद ही खरीदे हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इससे जो इनको एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, मतलब 1,000-2,000 रुपए की तो ये इसमें इनकम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कर लेते हैं, जो कि अपना पानी बेच रहे हैं, मिनरल वाटर बेच रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, ये खुद ही परचेस करते हैं ये लोग। ओके, और खुद ही सेल करते हैं। कंपनी को इसके लिए आपको कुछ भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, और ना हम इन्हें बोलते भी नहीं है, हमने इनसे यही है कि बिरयानी जो है वो हमारी बेचते हैं, ये जो है ये अपना एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो अभी आपका फ्यूचर स्कोप क्या, आप क्या चाह रहे हैं कि आप कौन कौन से शहरों में अपना फ्रेंचाइज आउटलेट करना चाह रहे हैं? देखो हम तो पैन इंडिया कंसेप्ट है और हमारा जो मेन टारगेट है वो Tier 1 और Tier 2 की सिटीज हैं अभी फिलहाल। Okay. जो हमारा जो अभी हमारी, और हम चले भी गए हैं, हम मोहाली में भी आपको मालूम होगा हमारी फ्रेंचाइज खुल चुकी है, 6 हमारी ऑलरेडी रनिंग में आ चुकी है और 10 से ऊपर पाइपलाइन में है। तो शराब के चक्कर में अभी मेरी परसों भी एक से बात हुई तो उसने कहा सर ये शराब खत्म होने दो, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, NEFT कर देता हूँ। तो इस चक्कर में 8-10 जो हमारी रुकी पड़ी है शराब के चक्कर में, मतलब ये नवरात्रों में आप लेके चलो, आज हम अगर 6 पे हैं तो हम 10 से 15 के बीच में हमारी आराम से रन कर रही होंगी। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, बेसिकली आप क्या देखते हैं आपके फ्रेंचाइजी के अंदर क्या होना चाहिए? सर बेसिकली उसमें काम करने का जज्बा होना चाहिए मेन। हम फ्रेंचाइज भी उसी को देते हैं जो कि मेहनती हो और उसे कमाने की उसमें इच्छा हो, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लोकल मार्केटिंग उसको करनी पड़ेगी। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि वो दुकान खोल लेगा और उसको इनकम उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी, हमारी डिजिटल मार्केटिंग की सपोर्ट रहेगी और लोकल मार्केटिंग उसे करना होगा और उसे कमाने की इच्छा हो, और ये हमारा मेन पॉइंट हम देखते हैं कि भैया वो जो है काम करना भी चाहता है या नहीं करना चाहता, कि सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। हम भी नहीं चाहते कि हमारी जहाँ फ्रेंचाइज खुले और हम चाहते हैं वहाँ वो सक्सेसफुल रन हो। बिल्कुल। तो दोस्तों ये जो चिराग दिन बिरयानी का जो बिजनेस मॉडल है, आप जो बेसिकली ओपन कर सकते हो 5-6 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो। आप यहाँ पर दुकान का साइज देख रहे हो, अगर आपके डेप्थ का ये 5 फुट है, 5 फिट की आपकी टोटल चौड़ाई भी है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो नॉर्मली आपको यहाँ पर दिखाने का जो मेन पर्पज था कि आप एक छोटी सी दुकान से भी अपना सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल शुरू कर सकते हो, पहले दूसरे महीने में ही ये जो फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबल हो गई है, और आप समझ सकते हैं कि पहले साल में ही पूरी कैपिटल बाहर हो जाएगी, उसके बाद जितना भी आप कमा रहे हैं वो आपका कमा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो बिजनेस मॉडल है ये टेंशन फ्री बिजनेस मॉडल है, शेफ फ्री बिजनेस मॉडल है, रॉयल्टी फ्री बिजनेस मॉडल है। आपको वन टाइम कंपनी को जो फ्रेंचाइजी फीस देनी वो देनी है, उसके बाद कंपनी आपको पूरा सपोर्ट करेगी, लोकल मार्केटिंग आप करिए और एक अच्छा प्रॉफिट इंजॉय करिए। तो ये था आज का बिजनेस मॉडल, फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल चिराग दिन बिरयानी। बिरयानी जैसे कि आप सभी जानते हैं फास्ट फूड है, कंप्लीट फूड है, हर जगह चलने वाला है। अभी फिलहाल ये फ्रेंचाइजी इन्वाइट कर रहे हैं Tier 1 और Tier 2 सिटीज से, आने वाले समय में हो सकता है कि आपके अपने गांव और शहर तक भी एक फ्रेंचाइजी देखने को मिले। सो अगर आपने इस बिजनेस के लिए अभी तक इंक्वायरी नहीं की है तो इंक्वायरी का नंबर आपको स्क्रीन पर दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, साथ ही साथ आप डायरेक्टली हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी बताओ भी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, और अगर आप इस बिजनेस को लोगों को शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करिएगा। सो तरुण जी आप लास्टली कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बेसिकली मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, ये जो फ्रेंचाइज खुली है इसमें इन्होंने एक माइक्रोवेव लिया है, एक ये VC कूलर जिसमें कोल्ड ड्रिंक वाला है, एक इन्होंने POS लिया है, नहीं तो ये आप लोग अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, और एक जो है थर्मल प्रिंटर है। हाँ जी, और एक ये जो है ये इन्होंने काउंटर बनवाया है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे कोई खर्चा नहीं है बिल्कुल।
कोई डेकोरेशन के नाम पे कोई फालतू आपने देखा होगा कोई खर्चा हाँ, नहीं है बिल्कुल। छोटी सी जगह में आप बड़ा काम कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो बेसिकली कंपनी का मोटिव यही है कि लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाएं, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दें, कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा बिजनेस करिए, अच्छा मुनाफा कमाइए। देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ, ऐसी ही बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। मैं हूँ आशीष अग्रवाल तरुण जी के साथ, आज आपके लिए फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी थी चिराग दिन बिरयानी की। ऐसी ही बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फ्रेंचाइजी बताओ पर आपको सब्सक्राइब करने से मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।